मैं तो मलका तरन्नुम नूर जहां के आगे किसी को गायक मानता ही नहीं, सिवाय उनके चंद गानों के। लेकिन अब उन चंद गानों की वजह से उनकी अजमत और सलाहियतों पर सवाल तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, मैं तो हमेशा एबा और कार्पेंटर्स की फैन रही हूँ। अच्छा, यानी कि आप अपने जमाने की इंग्लिश मीडियम क्लास से हैं। जरूरी तो नहीं इंग्लिश गाने सुनने वाले इंग्लिश मीडियम क्लास से हो। मौसीकी की तो कोई भी जुबान नहीं होती। मोहब्बत की भी तो कोई जुबान नहीं होती। हाँ बेशक, मौसीकी और मोहब्बत दोनों की कोई जुबान नहीं होती। ये तो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं। जैसे मोहब्बत हर जगह पाई जाती है। अब देखिए, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू। लव इज सच अ वंडरफुल थिंग। वो तो इट्स वर्ल्ड वाइड, है ना? हाँ, कुछ दास्तानें हमारे इर्द गिर्द भी बिखरी होती हैं। लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। दिल की आंखें चाहिए उनको देखने के लिए। हमारे रोमांस की भी बहुत मजेदार कहानी है, आपको सुनाऊं? अच्छा, हम भी तो सुने आपकी लव स्टोरी। नहीं नहीं, फिर कभी सही। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपकी पहली मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नजरें लगी हैं आप पे। किसको ज्वाइन करें? बस जो मुल्क के मफाद में हो। आइए आइए खान साहब। जी, मैं जरा वॉशरूम हाथ। आइए। थैंक यू। Where are you? Call me back. I'm waiting. अरे ये लीजिए ना, सरबत कीमा करेले बहुत अच्छे बनाती हैं। मुझसे तो करेला बनाया नहीं जाता, जब भी ट्राई किया है ना तो कड़वा ही बनाया। हाँ तो यू मस्ट ट्राई, सरबत को बनाना बहुत अच्छा आता है। कड़वाहट तो ऐसे निकालती हैं जैसे कभी थी ही नहीं। रियली? फिर रेसिपी लेनी होगी मुझे। बहुत आसान है, थोड़ी देर नमक लगा के रखना होता है, जल्द बन जाता है। इंसान के अंदर की कड़वाहट निकालनी हो तो कौन सा नमक लगाया जाता है? अपनी जहरीली सोच खत्म कर दो, कड़वाहट खुद ही खत्म हो जाती है। हमारे चार बच्चे हैं माशाल्लाह से, दो बेटियां दो बेटे। हमारी छोटी बेटी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई खान साहब, आप तो बिल्कुल अपने निकले। अपना कह ही दिया है आपने तो हमारी बात भी मान जाइए। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, एक पुरानी कहानी मिल गई है, कड़ियां मिलाने में लगा। आपके कितने बच्चे? हमें खुदा ने इस नेमत से महरूम रखा। Oh, I'm so sorry. It's okay. कड़ियां मिलाने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, खाम खा नुकसान होगा। हर काम फायदे और नुकसान के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम दिल की तसल्ली के लिए भी होते हैं। जितना कुरे देंगे उतना किरकिरा निकलेगा। मैं तो कहता हूँ कि मिट्टी डालिए। बहुत खुश नसीब है आप, जानते हो। वैसे मैं हैरान हूँ, आपके शोहर तो फ्यूडल हैं, और अक्सर अगर बीवी के बच्चे ना हो तो वो तो दूसरी शादी कर लेते हैं। जमीन पे भी बहुत प्रेशर था,
मगर वो नहीं मानता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता। फिर तो खुशकिस्मत आप भी हुई कि आपको इतना अच्छा शोहर मिला है ना। एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई शख्स अपनी मोहब्बत की इज्जत को पामाल कर सकता है? माजी हसरत है, और जो लोग माजी में जिंदा रहते हैं मायूसी उनका पीछा नहीं छोड़ती, और मैं हाल में जीता हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो जान तो दे देते हैं लेकिन इज्जत पामाल नहीं करते। कितनी अजीब बात है, सरवत और उनके शौहर कितने अरसे से यहाँ पे लेकिन मुझे किसी तकरीब में कभी नजर नहीं आए। नाइस कपल, अच्छे लगे मुझे, लेकिन बेचारों का कोई बच्चा नहीं है। सरवत बहुत अपसेट लग रही थी, मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मैं सोचती थी क्यों ना हम उनको घर पे खाने पे बुला लें किसी दिन। सरवत से कहा मैंने, शी सीम रियली हैप्पी, क्या ख्याल है आपका? सिर्फ 2-4 साल की तो बात है और इसे जेल में बाहर जैसा ही माहौल मिले। रही बात तेरे घर की तो खर्चा मेरे से। आपने हुक्म कर दिया, ये हकदार जाएगा। हाँ आता, तू पढ़ा लिखा है, तुझे पढ़ने का शौक भी है, तो वहां जेल में सुकून से पढ़ो। और अगर तुमने कोई खिदमत करवानी है एक हुक्म देना, सब काम ठीक हो जाएगा। इसलिए कि ये कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, ये सब मेरी जेब में है। जी चौधरी साहब, जैसा आप हुक्म करें। अरे वाह फजलो, तेरा बेटा तो बहुत समझदार है। काश मेरा बेटा याकूब भी समझदार हो। चौधरी साहब, ये भी आपका ही गुलाम है। ठीक कहा था अगदाद, अभी मेरी जीप आएगी तुझे लेने, उसमें बैठ के थाने जाना, पता लगे कि चौधरी का कमी शान से थाने में आया। क्या बात है, कोई परेशानी है? यहां तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वैसे मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि आप एक अहम फैसला कर लीजिए। कैसा फैसला? राहत आपा और उनके बच्चों के बारे में। क्यों, कुछ कहा है उन्होंने? नहीं, ऐसे कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन आपने अच्छू की हरकतें देखी हैं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स कर रहा है, और नायला कमाल का हाथ पकड़ पकड़े सब जगह घुमाती है उसे, और कमाल पपी डॉग की तरह ना उसके पीछे पीछे भागता है। आई डोंट लाइक ऑल दिस। समझा दूंगा उसे मैं।
अरे आपके मना करने से क्या होगा, बच्चे थोड़ी हैं, अब वो समझदार हो गए हैं, बड़े हो चुके हैं, बेहतर है कि आप उनका घर अलग कर दीजिए। बेशक घर का खर्चा आप उठा लें, कोई रोक थोड़ी रहा है उनको। आपने राहत आपा का रवैया देखा है, दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है, कभी कभार ऐसी बातें कर जाती हैं जैसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन नहीं कह पा रही। कोई बात नहीं, बड़ी है और शुरू दिन से ऐसी ही है। मैं जानती हूँ ऐसी हैं, मैंने भी इतने सारे साल गुजारे हैं उनके साथ, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है ना, शी इज गेटिंग वर्स। इग्नोर क्या करो उन्हें, वो हमेशा से ही ऐसी थी। अरे मैं कैसे इग्नोर करूं, आपने देखा उस दिन खाने की मेज पे उन्होंने सबके सामने हमारे साथ कितनी बदतमीजी की। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे सुकून चाहिए, दिस इज माई होम, आखिर आप उनको अलग क्यों नहीं कर देते। ओ बाबा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ज्यादा देर ना लगे। नहीं लगेगी, और कुछ? थैंक यू। श्योर। क्या हुआ, सोए नहीं? तुम क्यों जाग रही हो अब तक? नींद ही नहीं आ रही। क्यों, तुम्हारी नींद क्यों उड़ गई? पता नहीं। मुझे पता है जमील, कब से जानती हो खान को? हकदाद ने थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। हकदाद? हाँ बेटा, उसने मान लिया है जो कुछ किया है उसने। अब्बा वो हकदाद नहीं था। हकदाद नहीं था, फिर कौन था वो? सरवत, तुझको पता नहीं लगा कि किसने तेरे साथ किया ये सब? अम्मा, मेरे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, किसको बचा रहे हैं? बताओ हकदाद, किसको बचाना चाह रहे हो तुम? बदलो अपनी नापाक जबान से मेरा नाम, मुझे बस उस शख्स का नाम बताओ जिसका इल्जाम तुम बहुत आसानी से अपने सर पर ले रहे हो। किस शख्स का नाम बता दो मुझे? उस शख्स का मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। सरवत, सरवत बात सुनो मेरी, सरवत, 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 कुत्ते हो तुम, एक वफादार कुत्ते, तुम्हारे मुंह पे थूकूं भी ना। सरते रहो यहीं पे, सरते रहो। बात तो सुनो, जमीन मेरी बात तो सुने। मैंने जो कुछ देखा और सुना वो काफी है मेरे लिए। आपको शदीद गलतफहमी हो रही है जमीन। गलतफहमी का शिकार तो मैं था, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने आ गया है सरवत बेगम। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी, मेरी बीवी
खान के साथ। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूरवार तो मैं हूं, तुम्हें चाहने का, तुम्हें अपनाने का, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा जिसे मैं अपना समझता रहा वो मेरा नहीं था बल्कि किसी और के तस्वरों में गुम था। ऐसे मत बोले जमीन, प्लीज। आप जानते हैं मेरी जिंदगी आपसे शुरू हुई है और आपकी रहेगी। बस बंद कर दो ये रोना धोना, कोई फायदा नहीं है इन आंसुओं का। किस तरह मैं यकीन दिलाऊं आपको अपनी बेगुनाही का? कह दो कि तुम खान को नहीं जानती, कोई ताल्लुक नहीं था तुम्हारा खान के साथ, यकीन दिलाओ मुझे। बोलो। हक्दाद मेरा माजी था। तुम्हारे माजी ने मेरा हाल खराब कर दिया है। जिस शख्स के सामने मैं गरूर से खड़ा था उसके सामने घुटनों के बल गिरा दिया है तुमने, मुझे धोखा दिया है, मुझे झुका दिया है, मुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं खान को, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बची कुची इज्जत भी गंवानी पड़ जाए। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा फोन पिक करोगे। यकीन नहीं था तो फिर फोन क्यों किया? भाई दस्तक देना जरूरी है, दरवाजा खुले ना खुले वो किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। तुम कब से किस्मत पर यकीन करने लगे? जब से तुम सिंगल जो हुई हो। आजकल क्या हो रहा है? नेट प्रैक्टिस। अच्छा, दोबारा पिच पे आने की तैयारी हो रही है? सोच रही हूं। चलो That's good. Best of luck, भाई। और तुम्हारी सियासत कहाँ तक पहुंची? अरे मिडिल क्लास लोगों की सियासत क्या होती है? वैसे भी मिडिल क्लास लोग बहुत धीमे अंदाज में आगे बढ़ते हैं। वो भी तब अगर उन्हें कोई आगे बढ़ने का मौका दे तो। मैं वो तो कब? हाँ कहो। नहीं पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगी मैं क्या कहने वाली थी। मैं बस कहना चाह रहा था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो आ जाओ। अब तुम कहो क्या कहना चाह रही थी। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम कब मिल रहे हैं। नीलम। हाँ। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। आंटी अंकल कैसे हैं? हाँ सब ठीक है, मगर वो मम्मा ताज़ियत के लिए तुम्हारे घर आना चाह रही थी। तो उन्हें ले आओ ना। ठीक है बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, घर में सब खैरियत है ना? खुदा हाफिज़। बाय। इस वक्त कौन आ गया? चाय की बहुत तलब हुई थी भाई।
मेरा नाम शफीक है और ये सिद्दीक। ये तुमने बनाई है? हाँ अभी अभी। ये लो। अबे मैं इस चाय की नहीं भाई, वो उस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, वो आपने बनाई है? हाँ ये पेंटिंग्स भी। हाथ काफी साफ है तुम्हारा, क्यों भाई शफीक? क्या हशर किया हुआ फ्लैट का? इतने बड़े बाप की बेटी से एक झाड़ रहे हो, कुछ तो ख्याल करो, अपना भी और अपने इस ठिकाने का भी। आपको किसने कहा इश्क करता हूँ मैं उससे? अबे फ्लर्ट तो कर रहे हो ना हैं? पहले फ्लर्ट ही होता है बेटे, फिर होती है मोहब्बत और फिर आखिर में इश्क होता है। और अगर शादी हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुने, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि चाहते क्या है आप लोग मुझसे? ओ, बीना की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे तुम हैं? मर्जी में अब नहीं चलेगी, समझा? देख बेटा एतबार कर लेते हैं तुम्हारी बात पर, उससे पहले हुलिया सुधारो अपने फ्लैट का। ओके मैं खुद इसकी साफ सफाई कर लूंगा। बेटा सफाई से काम नहीं चलेगा, ये पैसे रखो और हुलिया सुधारो, अपने फ्लैट का भी और अपना भी। देखें देखिए प्लीज मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। इसने दुनिया में आने में भी बहुत टाइम लिया होगा भाई, अबे हर बात में इनकार करता है ये नाशुक्र आदमी यार। देखो हमजा मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दोस्त हैं हम तुम्हारे। अबे तू जानता है कि बीना का बाप कौन है, है? अबे कोई शुमार नहीं है उसकी दौलत का बेवकूफ, उसकी बेटी तुझसे प्यार करती है, मरती है तुझ पे, लेकिन तुझ जैसे भंगी को क्यों वो अपने घर लेके जाएगी भाई है? मेरी बात मान, ये पैसे संभाल, हुलिया सुधार होता और इस कचरा कुंडी का बीना के काबिल बना इसे। नहीं नहीं देखें प्लीज, अगर बीना मुझसे मोहब्बत करती है ना तो मैं जैसा हूं, मैं जिस हाल में रहता हूं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चल भाई ये नहीं मानेगा, चल जाएगी, चल रोको इसको, गन चल जाएगी, गन बात मानेगा तो रोकता, मानेगा? हाँ मानता हूँ मानता हूँ, लेकिन गन हटाओ, चल चल जाएगी। चल आ जाए, शॉपिंग करते हैं, आ जाए। आर्टिस्ट हमेशा पूरी दुनिया से इंस्पिरेशन हासिल करते हैं और जब भी किसी आर्टिस्ट ने नेचर पे रिसर्च की है तो उसने तीन चीज़ों के बारे में जाना है, नंबर वन जियोलॉजी, नंबर टू बायोलॉजी एंड नंबर थ्री इज क्लाइमेटोलॉजी। दूसरी साइंसेस की तरह साइंस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है, ये तो आप जानते हैं कि पहिए से लेकर हवाई जहाज तक का सफर साइंस ने ही मुकम्मल करवाया, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। क्या कहते हैं, टाइम इज मनी, और वक्त के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ये नजर रखा हुआ है तो अर्शद भाई आप हाँ अर्शद भाई वो कब से अंदर गया हुआ है, एक घंटा हो गया बाहर ही नहीं आ रहा है वो। अंदर जाके मालूम करना कहाँ पे। अर्शद भाई इंडियन फिल्म थोड़ी चल रही है, क्यों कुट लगवाएंगे आप मेरी। सुबह से ख्वार हो रहा हूँ यार इसके पीछे। पता कर रात में भी कहाँ जाता है। है कौन ये मुखालिफ पार्टी का बंदा। नहीं नहीं कौन है ये मास्टर। बच्चों के पूछने वाली बात नहीं समझा। नजर रख। हेलो हेलो बीना हमरा कहाँ हो। इतने कॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस क्या कुछ नहीं। तुम आर यू ऑलराइट। सब ठीक तो है ना। मैं ठीक हूँ थैंक गॉड। तुम कैसी हो। मैं हमरा आर यू ओके। तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक। मुझे लग रहा है कि तुम बीमार हो। बीना मैंने तुम्हें कहा ना मैं ठीक हूँ। हमजा मैं आ रही हूँ। बीना मगर अगर मगर कुछ नहीं मैं आ रही हूँ। जल्दी से मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट करो। एड्रेस तो तुम्हें पता ही होगा ना। मुझे क्यों मालूम होगा। मैं तो पहली दफा तुम्हारे घर आ रही हूँ। ओके मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देता। हमजा अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं आऊंगी। बीना मैं क्यों नहीं चाहूंगा। ओके फिर मैं आ रही हूँ। ओके मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ तुम आ जाओ। हाँ ओके बाय। मेरी बात सुने जमीन। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। मैंने कहा था मेरे सामने मत आना। जमील प्लीज मेरी बात सुने। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे और खान के दरमियान। तुम अपने और खान के ताल्लुक का एतराफ कर चुकी हो। जमील ऐसा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। शर्म नहीं आती अभी तक मुझसे झूठ बोलते हो। नहीं जमील ये सब क्या है। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं क्या। ये क्या है। मैं सच कह रहा हूँ कि वो FIR मैंने वापस कर दी है। क्या था उस FIR में। जी क्या था FIR में। वो हफदाद खान के खिलाफ कत्ल और रेप की FIR थी। मैं सच कह रहा हूँ। वो सच कह रहा है खान जी। जमील के पास है FIR। आप हुक्म कीजिए। और ये शमसी इसका क्या करें अब।
बुजदिल आदमी है उसे कहो कि अपने मुंह बंद रखे। ठीक, और जमील उसका क्या था? बताता हूं। खान, अब तू नहीं बचेगा। जमील, जमील, जमील मेरी बात सुन। जमील मेरे और हकदाद के दरमियान ऐसा कुछ नहीं था जिसमें मैं शर्मिंदा हूं। मेरी बात का यकीन करे प्लीज, प्लीज सुने। क्या सोचा? क्या समझते हो तुम? सरवत की वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? दुनिया थूकेगी तुम्हारे मुंह पर खान, दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आऊंगा। अब तुम देखना मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। नमक खाया है तुम्हारे घर का, वो साथ थूक दो। बेवकूफ आदमी। हाँ मेहताब, सबको कॉल करो, अर्जेंट मीटिंग है। हाँ हाँ आकर बताता हूँ, बस यूँ समझो कि उसका खेल खत्म। सीएम साहब, दो घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। सब खैरियत तो है जमीन साहब? जी जी सब खैरियत है, बस दो घंटे में आपके ऑफिस में होऊंगा। और हाँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी होंगे जिनसे मिलकर आपको यकीनन बहुत खुशी होगी। आइए आइए, मैं आपका इंतजार करूं। See you. नहीं जानते जमील, वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकते, सब कुछ।
भूल सकती। मैम क्या हुआ आपको? मैम क्या हुआ आपको? मैम क्या हुआ? मैम हाँ ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तक मैं नहीं आ जाऊं कोई बयान नहीं देगा। क्या जमील मर गया? लेकिन वो तो मेरे पास आ रहा था। ओके ओके कुछ गड़बड़ है। साहब से बात कराओ मेरी। ठीक है, जैसे ही वो मीटिंग से फारिग होते हैं मुझसे बात करवाओ, अर्जेंट है। बात सुनो सर, फौरन एक ताजियाती बयान नशर करो तमाम चैनल्स पे। ठीक है। सुनो। जी सर। दुख बहुत ज्यादा है। समझ गया सर। जाओ। खान साहब, वो जमील ने खुदकुशी कर ली है। अच्छा ठीक है। मारा है तुमने जमील को? खुदकुशी की है उसने। नहीं, तुम्हें बर्बाद करने निकला था वो, खुदकुशी करने नहीं। हेलो राहत, कैसी हो? अनवर, चलो खाजा, ये लोग नहीं चाहता कि हम जमील साहब की खुदकुशी को इन्वेस्टिगेट। क्या आप लोगों ने रट लगा रखी है? खुदकुशी खुदकुशी, मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं की थी। मैं उन्हें इस्तेमाल कर तुम्हारे लिए और अपने दोस्त की मौत का बदला लेने।